हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं अपने गांव के विशाल भंडारे में। ये है हमारा गांव और ये है हमारा राम मंदिर, भोले बाबा जी का मंदिर। इसमें चल रहा है विशाल भंडारा, तो आइए आपको लेके चलते हैं भंडारे में। ये जा रहे हैं देखो मठे के आलू, और ये है हमारा राम मंदिर। ये पीछे से एक राम मंदिर की झलक, यहाँ काफ़ी लोग अपनी पंगत का इंतजार करते हुए और अभी अंदर आ चुके हैं। एक पंगत बैठ चुकी है, लोग प्रसाद ग्रेड कर रहे हैं। ये देखिए एक पंगत लगी हुई है और सभी लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जे हमारे यहाँ संजय दत्ता मेंटेनेंस देख रहे पूरे, ओए सही देखो मेंटेनेंस। अरे बूंदी दे रहे, बूंदी कुछ ले, हाँ बूंदी सही दियो सही थे। अरे नहीं ना, एक बार के बाद दोबारा नहीं, तुम्हारी बूंदी मिठास कम है तामे नहीं ले रहे लोग। अरे बहुत बढ़िया मिठास है। ये बंदा जो है इतना मक्कार हरामी है, इसकी जितनी कम बात करी जाए तो बहुत बात करियो बताए रहे। हाँ तो दादा कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? महसूस हो रहा है इस टाइम राम जी का भंडारा चल रहा है। हाँ इधर 32 इंच का पराठे की बात कर रहा है लड़का। ये 32 इंच का वो खाया नहीं ना, इसलिए बात कर रहा है। अच्छा तो हमारी पूरी भी कम नहीं है 32 इंच से? 36 इंच है पूरी। 36 इंच है, बनवाए हैं बड़ी वाली। हाँ गलत गलत बात है ना यार, तुम फोन कर रही है ना, उन्होंने भंडारा चल रहा है। ये देखिए फोन कर रहे हैं भंडारा चल रहा है, गलत बात है ये। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। देखो भंडारा चल रहा है तो मेरे फोन पे लगे, फोन पे बात कर रहे हैं। हैं चलो मुन पहुंचो, चप्पल चलो 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 सेवा करो, चलो सेवा। ये बूंदी बांटते हुए, हाँ जी तो प्रसाद में बना है छोले, छोले की सब्जी, छेने, कचौड़ी, मठे के आलू, हमारे मैनपुरी के सुप्रसिद्ध। क्या कह रहे, ये तुम्हारी वजह से हुआ है सब। ये सड़क लुढ़क रहे हैं अपने, वो भगवान की कृपा है, वो धरती माता का भोग लगा है वो। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, भंडारी की सेवा दी गई है आपको, छुओ ना है? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं है? सप्लाई सही हो रही है? अरे तो यार हाथ लगा। ये हमारे रामलला सीता मैया और लक्ष्मण लाल के साथ विराजमान है। ये है हमारा राम मंदिर। ए हीरो तुम हीरो बैठे पंगत को कमे, ए हीरो ये देखा शकल देखा, ए ए ये भजगा रहे, ए कैसा मैनेजमेंट है आपका, ये कैसा मैनेजमेंट है बताइए। ये पत्तल की सेवा आपको खुद करनी चाहिए थी, श्री कृष्ण भगवान ने पत्तलें उठाई थी, आप उठा चुके हैं यार, हाँ उठा चुके शुरू में, कर चुके हैं तो बढ़िया है, तो बढ़िया चल रहा है काम। यहाँ कुछ बड़े लोगों की गहन मतगणना चलती हुई। ये देखिए हमारे गांव का सुपरस्टार एक गाना सुनाएगा आपको, वहाँ सुनाओ। माना कल मैंने तुझे मिलने को बोला या मैं हो गया थोड़ा लेट, तूने नहीं किया, मेरा भेंट तो किसी और से हो गई थी। अरे ये झाड़ू लगने के बाद लोग आने को तैयार हैं, दूसरी तीसरी चौथी पंगत है शायद, ये चौथी पंगत में बैठने के लिए लोग तैयार। ये पंगत में लोग बैठते हुए, ये पांचवी पंगत हमारी। कितने भक्तों की भीड़ प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमारे भोले बाबा मंदिर पर आई है। प्रसाद की जो मिठास है लोगों को दूर दूर से खींच के लेके आती है। ये देखिए व्यवस्था में चुस्त, मटर के आलू लेके एकदम तैयार, पूड़ी लेके तैयार बाबा। ये छेने जाते हुए भाई साहब, जे हमें कैमरामैन बता रहे हैं, मुँह छुपाए रहे, कुछ से शब्द तो बोले, दो शब्द बोले, देखो छुपाए का रहे अब। ऋषि तुम यहाँ बात कर रहे हो और यहाँ पंगत बैठ गई, तुम बात कर रहे हो, अरे बात कर रहे हो तुम इधर, वे देखो सचिन भैया फोन में लगे। तो प्रसाद खा लिया? हाँ प्रसाद पा लिया। कैसा लगा प्रसाद? प्रसाद तो आखिर गोदाम का, उसमें जो है जो भोग लग गया तो प्रसाद का स्वाद है चेंज हो गया। तो यहाँ बैठ तक कहा कि कब पंगत उठे कब मिले, तो प्रसाद का खत्म हो जाए रोध का। प्रसाद तो लेना चाहिए दंबर भाई, तो खड़े गए तुम परसाओ ना, आज उधर परसाओ, अरे परसाएंगे। सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था पकड़ रहे हैं। अभिषेक दद्दा देखो मटा आलू दे रहे, हमारे लोले मास्टर सूखी सब्जी दे रहे, हमारे चाचा श्री पूड़ी परस रहे हैं और भक्त आनंद लेते हुए प्रसाद का। जय बंदन पत्तल नहीं छोड़ी कतई, पत्तल पकड़ रही है, पत्तल ले जाते पत्तल दे रहे, हमारी जयंती देवा के नाम पर मैंने पत्तल नहीं छोड़ रहा हूँ कतई। अरे करण भाई पंडित जी पानी देते हुए, कौन का पानी। अरे राजू खाना कैसे लगो? बढ़िया लगो, और खा ले पूरी पंगत तुमने खाई ली अकेले, कुछ भी नहीं जोड़ा है। अभी हम आज चले हैं रसोईया में, देखते हैं रसोईया में क्या चल रहा है। यहाँ पर नहीं है पूड़ियाँ,
ये हलवाई मास्टर हमारी पूड़ियाँ सेक रहे हैं, यहाँ पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। ये देखो भाई साहब, इतना बड़ो कार्यक्रम चल रहा है, ये आराम फरमाए रहे, ये आराम फरमाए रहे। तबीयत खराब है भाई साहब, तबीयत खराब है, तबीयत गलत बात है। राम के नाम पे तबीयत खराब, तो घर चले जाते हैं। गलत बात है, आप मतलब आलू चलाए दे तो बैठ रहे, गलत बात जा, गलत बात है। हुआ चला हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप नहीं बोल पा रहे गजू, बताओ क्या कहना चाहते हैं? इनकी ड्यूटी यहाँ लगी जाए भाई। अच्छा इनकी ड्यूटी यहाँ है, चलो इनकी आपकी फिर। अरे मेरी तबीयत खराब नहीं, क्या 10 लग गए, ज्यादा भंडारा खा लिया? नहीं खा, अरे थोड़ा नाम मात्र का, आप खाएंगे शाम को। इनने 5-10 तुगे इनने कल इन्होंने। उत्तम बाबा गुड्डू चाचा आलू पैकेट ले आए, देखो जा उस सेवा देगा, धरो देखो इन्होंने छेने ज्यादा खा लिए, छेने जिया जिया छेना ज्यादा खाए, छेना। भोलेनाथ की जय बोलो, जय बोले हो काम उमर परे रात, तुम गेलो बच्चा देखत रहा। सूर्य देवता छुपने को तैयार, ये भक्तगढ़ भंडारा खा के जाते हुए अपने अपने घरों को, कुछ लोग आते हुए भंडारा खाने के लिए। पांचवी पंगत उड़ चुकी है, अभी मैनेजमेंट बनाया गया है कि एक पंगत इधर खिलाई जाएगी और एक इधर खिलाई जाएगी। सही है क्योंकि भीड़ ज़्यादा आने लग गई है। ये देखिए बच्चे पानी देते हुए, हमारे अर्जुन दादा पूरी की सेवा देते हुए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी लोग पर्याप्त हैं, बच्चे पर्याप्त हैं पानी देने के लिए, खाना देने के लिए सभी पर्याप्त हैं। जय हिंद। बच्चा रोए रो का लला, किन्ने मारो? अरे कोई बात नहीं आओ, कोई बात नहीं आओ, दुबाए इसकी बाल्टी छीन ली किसी ने, ये परसा खवाई करवा रहा था, कोई बात नहीं हम दुबाए। चलो छठी पंगत आती हुई भक्तगढ़ बैठते हुए। हाँ भैया भाई, आप कुछ बोल के गए थे हमसे कैमरा में, फिर देखो फिर मुंह छुपाए लो, फिर मुंह छुपाए लो, है कुछ बोलिए, सब इधर कैमरे में देख के बोले। क्या कह रहे थे आप साहब, क्या कह रहे थे? इन दद्दा के भाई नई नवेली शादी भाई, अब आगे आप लोग जानते खुद ही, दद्दा की उपस्थिति थोड़ी कम रहा थी। कोई नहीं बोलो, और देर बोलो एक आप बोली, देखो कोई नहीं बोलो, कोई नहीं बोलो, बोलो बोलो बोलो, एकदम बोलो, एकदम एकदम बोलो, एकदम। चारों तरफ आनंद ही आनंद लुट रहा है। ऊपर देखिए कुछ लोग राम मूर्ति के दर्शन करने आ रहे हैं, कुछ लोग भंडारा खा रहे हैं, और हमारे बाबा वीडियो देख रहे हैं इसमें, अभी जगारा लगवा रहे थे। दादा मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये दादा भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, सब बाकी जो भक्तगण हैं प्रसादी बाटी कर रहे हैं, काफ़ी प्रसादी ले रहे हैं। पानी पसाओ जाए, पानी जल्दी जा, पानी पसाओ जाए। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देखिए मैनेजमेंट देख रहे हैं, रामकथा में भंडारे में सभी लोगों का सही है, लेकिन ये बंदा जो है ये सिर्फ पत्तल पकड़े हुए है, सिर्फ पत्तल, और बोल रहा है कि इमरजेंसी के लिए पकड़े हुए, जिसको बच जाती उसको दे देता हूँ। ये देखिए हमारे रैपर साहब मठा गालू मास्टर, तो मैंने हमें पानी पिवाना है, वो पिवा जाए पानी। ये हमारे मंदिर का सुंदर बागीचा, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं। ये देखिए हमारे अभिषेक सिंह, पंकज दत्ता, सुनील भैया, सचिन सिंह पूरी देते हुए। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे चरम पर है, देखिए कितने सारे श्रद्धालु लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं की व्यवस्था है यहाँ पर, देखिए इधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं, हर जगह श्रद्धालु श्रद्धालु देख रहे हैं। हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह, ये देखिए सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, कोई कुछ छूट ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। हमारे राहुल दत्ता डंडे का प्रयोग करते हुए, पूरी तरीके से बल प्रयोग करते हुए, बच्चे उनके सुन नहीं रहे, उन्होंने डंडा उठा लिया है। ओ पत्तल मास्टर देखो, ये फिर पत्तल, आपको इसके अंदर पत्तल ही दिखी दे, जो देखो फिर पत्तल लेके आइए, जो देखो जो सिर्फ पत्तल पकड़े, सिर्फ पत्तल देखो, ओझल लगो फालतू। हमारे पिंकू भैया पूड़ी देते हुए, ये देखिए भक्तों की भीड़ आपको दिख रही है। दोस्तों ये पंगत खा रही है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। बूंदी छोड़े हो, जब बूंदी लेने आ रहे तो कहाँ जाके बैठ रहे तुम? अरे तुम्हारी बूंदी मिठास कम है, हमने पहले ही बोली थी जोरावरी खिलाएंगे, बूंदी जोरावरी मुंह में ठूस दी होगा। नहीं नहीं जोरावरी कहेंगे साफ खा लो, साफ खा लो, खाएंगे तो नहीं लगते। हाँ हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको छेना बटवा के?
अरे इधर देखे, इधर देखे, इधर देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फैला भी दिए मैंने सुना है, भोग लगवा दिया धरती माता का। ये हमारे ब्लॉगर भैया देखिए ब्लॉग बनाते हुए हमको अभी मिले हुए हैं, हमको ये कुछ चलिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? यार तो भाई बना, ये हमारे ब्लॉगर भाई साहब आए हैं भारतपुर से, इनका चैनल है रवि जोन। इच्छा हो तुम्हारी सब्सक्राइब कर लियो, नहीं अनलाइक कर दियो। मिस्टर रवि जोन, तुम जा बताओ भंडारा सेवा का दे रहे? बिल्कुल भैया, इधर व्यवस्था हम देख रहे हैं। हाँ। लोगों ने जाके आप परसों ना व्यवस्था दिखवाओ, व्यवस्था ना दिखवाओ परसों चलाइए, व्यवस्था देख रहे हमारे बीडीसी भाई। हाँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सेवा चल रही है आपकी? पानी की, हमारी पानी की पूरी की, पानी की पूरी की है। देखो फिर आइयो जो देखियो, सिर्फ पत्तल पकड़ा जो कचुरा के, सिर्फ पत्तल, पत्तल के अलावा कोई काम नहीं जगह। अबे कहाँ आते, कब के आए खूब, अबे पकड़ ले आए जा, गलत बात है जा, जल्दी देव। ये देखो पत्तल वालों फिर आइयो, इमरजेंसी पत्तल, इमरजेंसी पत्तल। देखो संजय दत्ता हमारे कचौरी पत्थर है और साथ में टिन्नी, ये हमारे सीलू दत्ता हमारे स्टेशन मास्टर साहब पानी देते हुए। ये पत्तल मास्टर, ये पत्तल वाला फिर आ गया। ये देखो जाकी पत्तल नहीं छुटत, दिखाइयो यहाँ कहीं जाकी पत्तल नहीं छुटत, नाम और बिगाड़ रहो। अब वीडियो बंद करके जब बताए तो हमारे सचिन भाई पूड़ी की सेवा देते हुए, और जब पूड़ी अपने पेट में डाते जाते का संग संग में तो पेट पूरा भरियो। अब गोर के कचौरी लेके आए भैया, अरे मत गाय रे, आए हाय। ये सातवीं पंगत प्रवेश करते हुए कथा पांडाल में काफी गहमा गहमी हमारे धीरज महाराज घूमते हुए, धीरज दादा ये देखिए कितना बान आया है श्री राम कथा के इस भंडारे में। आपको गाड़ियां मोटरसाइकिल दिखेंगी चारों तरफ, सूर्य देवता डूब चुके हैं, भंडारा भी चल रहा है। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही गहमा गहमी, ये बच्चे शोर मचाते हुए खेल कूद करते हुए। इधर देखिए, अरे दद्दा तुम काम कर रहे का है? देखो ये देख लो, तुम्हें वीडियो बना रहे हम काम कर रहे, ये देखो आज काम कर रहे कर लो भाई साहब। ग्राम समाज के खाने की व्यवस्था, यहाँ जोरों शोरों से पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। भक्त घर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए, देखो राम भक्तों की भीड़ टूटती हुई। हाँ भैया बहुत देर ही, क्या कह रहे तुम, फोटो नहीं ली, फोटो नहीं ली, क्या हुई यू है ले काम, बोलो बोलो कितना बोलिए, बोलो अब बोलो है, बड़े दानो फोटो मार रहे, अब तो बोला ना जा मैं, अब बोल नहीं रही है, बोलो। पत्तल उठाने वाली अपनी सेवा पत्तल की देते हुए, जो देखिए क्या स्पीड से पत्तल उठा रहे हैं। और ये हमारी दसवीं पंगत बैठती हुई, क्या घमाघम भीड़, ये देखिए जीतन लाल बाड़ा लगाते हुए, ये जाओ जल्दी जाओ बैठो जाके जल्दी जाओ, ये घमाघम भीड़। अरे जीतन लाल, अरे जीतन लाल, लगे रहो लगे रहो जीतन लाल लगे रहो। ये दसवीं पंगत हमारी बैठती हुई, रात का समय हो चुका है, हाय हाय पुनीत भैया। ये देखिए कितनी भीड़ है, दादा मैनेजमेंट देखते हुए, हमारे गुंडन भैया भी देखो पूरा सहयोग कर रहे हैं, देखिए पूरा सहयोग कर रहे हैं, भाग भाग के व्यवस्था दिखा रहे हैं। ये देखिए हाँ बैठो बैठो, हर कोई व्यवस्था देखने में लगा हुआ है, कोई भी फ्री नहीं है, सब देखिए कितने भाग भाग के व्यवस्था देख रहे हैं। ये देखिए ये दादा व्यवस्था देख रहे हैं,
हमारे अध्यक्ष साहब भी देखिए कितने चिंता की लकीरें इनके चेहरे पर, कहीं कोई भूखा ना चला जाए। ये देखिए सभी लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। ये देखिए हमारे चाचा, आइए अब परे थे, आइए आइए भगवान ठीक कर दो। बोले रात रहे पीयूष हमारे देखो दे रहे मटा गालू। कुलदीप भैया पूरी सेवा देते हुए इसे देखिए। तो कैसा लग रहा है आपको इस भंडारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ सुबह से आगे जा चुकी है और बहुत प्रभुराम की कृपा है जो यहाँ पर इतना भव्य भंडारे का आयोजन हुआ आप सभी लोगों के द्वारा, और हमें भी इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला, ये हमारे सौभाग्य है। तो आप क्या सेवा दे रहे हैं? सेवा पानी की, तन मन धन से पूर्ण रूप से हमारी सेवा है। जो भी पानी यानी प्रसादन है जो पत्तल वालों, फिर आइए देखो जो पत्तल वालों, वो देखो पत्तल लेके आओ, देखो सिर्फ पत्तल जाने पकड़ी पत्तल। जे बताओ जे चेहरा तुम बांट रहे संगे संगे पेट में डाल रहेगा, कितने गैप कर रहे दो चार। ये चेहरा मास्टर भैया, ये पत्तल वाला इसने दिमाग खराब कर रखा भाई साहब। ये देखो सिर्फ पत्तल छोड़ के जाने का चुनाई करो, अरे तो हुक्म चला रहे हो। देखो मिस्टर रवि जोन अपना ब्लॉग छोड़ के व्यवस्था देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया तुम्हारो। हाँ चला दे, ये हाँ चला दे। ये देखिए लाइट चली गई लेकिन फिर भी व्यवस्था देख रहे हैं हमारे भैया श्री। ये देखिए पानी देते हुए लाइट चली गई लेकिन फ्लैश जला के भंडारा खिलाया जा रहा है सबको। हमारे रिंकू भैया श्री पानी की व्यवस्था देते हुए, लाइट जाने के बावजूद ही लोगों का जोश बरकरार है हमारे सचिन दत्ता। हाँ भैया लाइट देवे के बाद लगे हो गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी खाने के बाद बताना। अच्छा ये देखिए लाइट जाने के बाद भी लोग फ्लैश जलाते हुए और खाना खाते हुए, और हमारे रवि जोन साथ में। अभी लाइट आएगी, देखिए तीन तक गिनेंगे, एक हेलो दो तीन। ये देखिए और लाइट आ चुकी है, झम लाइट आ चुकी है। ये बाल गोपाल भंडारा का आनंद लेते हुए, ज्यादा पूरी नहीं खाना। अभी रात हो चुकी है और अभी हमारी माताएं बहनें खाना खाने के लिए आ चुकी हैं, क्योंकि गांव के सभी लोग खा चुके हैं, अभी माता बहनों की बारी है। ये देखिए माता बहनें आने लग गई हैं खाना खाने के लिए। सभी व्यवस्थापक लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि किसी भी बंदे ने अपनी व्यवस्था नहीं छोड़ी है। इन भाई साहब ने जब से रसगुल्ले पकड़े हैं छेने, तब से छेने की व्यवस्था देख रहे हैं, और जिस व्यक्ति को जो जो व्यवस्था भरी है। हमारे अर्जुन बाबा देखो कह रहे मटा गालू पस रहे। सभी लोग अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अभी माताएं बहनें बैठ कर भोजन करेंगी। ये यहाँ पे पुरुष वर्ग भोजन कर रहा है, यहाँ कुछ मतगणना चल रही है तगड़ी। ये देखिए ये पत्तल वाला बंदा फिर पत्तल लेके आ गया, जाके पत्तल नहीं छूटे देखो। जाओ सभी लोग व्यवस्था में लग चुके हैं खाना खाने के लिए, सब तैयार। झम हो चुका है पूरा पंडाल, लाइट जा गई है, यहाँ लोग उपद्रव मचाना शुरू कर दिए हैं। ले सभी सभी के मोबाइलों को फ्लैश ऑन, थोड़ा प्रकाश होता हुआ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा चुका है। इसमें भैया डीजल की खोज करते हुए, बहुत ही भयानक स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। नहीं भयानक नहीं है, लाइट चली गई, ऐसी कोई भयानक नहीं है। देखिए लेकिन फ्लैशों की रोशनी भी इतनी है कि एक पंगत पूरी खिल जाएगी। ये देखिए ये फ्लैश जल रहे हैं भाई साहब। ये देखिए लाइट जाने के बाद काफी शोर शराबा होता हुआ, लेकिन फिर भी इतना प्रकाश है कि पांच छह पंक्तें खिल जाए। यहाँ मंच पर कुछ लोग विपिन सिंह राठौर व्यवस्था को देखते हुए। अभी देखिए कुछ ही क्षणों में लाइट हमारे इस पांडाल को पूरा सराबोर कर देगी, लाइट आएगी मतलब की। एक दो तीन, नहीं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लगा गई, आ गई भाई जम। अरे प्रणोद बाबा आएगी, बाहर व्यवस्था दिखवाओ ने। ये देखिए पंडाल में फिर से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हुई। संजय भैया भगवाना ले जाते हुए,
हमारे बीरपाल बाब चाचा देखो व्यवस्था देखते हुए, यहाँ देखिए पूड़िया खत्म हो चुकी है, पूड़िया लेने की भाग दौड़ जारी। सुपर स्टार रैप स्टार खींचे हमारे पंकज दत्ता पत्तल ले आए हमारे पंडित जी आते हुए। रात के बज चुके हैं 8:30 और देखिए अभी भी भंडारा चल रहा है हमारे गांव का और सभी लोग पूरी व्यवस्था देखते हुए, अभी माताएं बहनें भोजन कर रही हैं और सभी लोग व्यवस्था देख रहे हैं। ये रसगुल्ले छेने वाले टेंट वाले भैया बड़े परेशान है, का हुई हो ये वीडियो का परेशान कर रहे, कोई परेशान नहीं कर रहे। ये देखिए व्यवस्थापक घूम रहे हैं भाई साहब, व्यवस्थापक ऐसे घूमे नहीं व्यवस्था देखें। गगन सिंह जी व्यवस्था देखें। बाहर से गांव की भीड़ अंदर आती हुई माताओं बहनों की, ये चल रही है विशाल भंडारा। रात के बज चुके हैं 9:30 और अभी भी हमारा भंडारा पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। ये देखिए इधर भी माताएं बहनें बैठ के भोजन ग्रहण कर रही हैं और सभी व्यवस्था का अपनी अपनी व्यवस्था देखी हुई, लेकिन ये कुछ 3 लोग व्यवस्था में अभी विघन डालते हुए। वही अंशु भैया आ गए हैं बड़ी दूर से, बेंगलोर से चल के आए हैं, सभी लोग देख रहे हैं। पौड़ियाँ फिर से आ गई, ये हमारा जा रहा है गांव में परसा जाता है, ये जो भी हमारी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो आ नहीं पाते तो उसके लिए परसा जाता है, तो यहाँ से भी परसा जा रहा है। रात हुई लेकिन जब बंदा ने अपनी पत्तले नहीं छोड़ी भाई साहब, देखो जग कितनों पनौती है, लाइट चली गई जग के कई बजे, देख रहे कितनों पनौती है। पंकज दद्दा अब मिले तुम्हें, छेना का कैसा रहा माहौल? छेना का तो अच्छा माहौल है लेकिन अब की बार कुछ बढ़ गई रहेगा, बढ़ गई रहेगा, आनंद आ गया। तो अभी सब्जी रोटी मतलब पूड़ी, सब्जी पूड़ी खा रहे हैं, भोजन बहुत अच्छा है, भोजन बहुत अच्छा है। और भैया बहुत बढ़िया, और बाबा भोजन कैसे हो तो? भोजन सही है। और राम कथा कैसी थी? सब सही। तो व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था सब सही, सब बड़ी बढ़िया है, सब हमारे सब बढ़िया है यार, हम बढ़िया नहीं, हम तो बहुत आराम ही आएंगे। ये सभी लोग देखिए व्यवस्था देख रहे हैं और यहाँ ये मठे के आलू चल रहे हैं, यहाँ पूड़ियाँ दे रहे हैं। तुमने बूंदी अबू नहीं छोड़ी का? रात हुई 10 बजे एंड तक बूंदी के साथ संग दिए हैं, ऐसी लगन होनी चाहिए भाई साहब, लेकिन बूंदी खाए कोई नहीं रो तुम्हारी। ये देखिए व्यवस्था चल रही है, अभी भी रात के 10 बज चुके हैं, हमारे अमित दादा देखिए व्यवस्था देख रहे हैं, मुझे बताओ देते हुए बहुत ही इन्होंने व्यवस्था देखी दिन भर। हमारे पीयूष दादा भी व्यवस्था देखते हुए, क्या क्या दे रहे हैं आप? मठे के आलू दे रहे हैं और हमारे नाम पता नहीं, हमारा नाम क्या? सेवन भैया देखिए बूंदी की व्यवस्था देते हुए, तुम्हारी बूंदी तो ली जा रही होगी बहुत। हमारे ये भैया देखिए मठे ये क्या देते हैं, मटर आलू की सब्जी देते हुए। हमारे रिंकू भैया व्यवस्था देखते हुए रात के 10 बजे भी। रिंकू भैया आनंद आ रहा है? अरे बहुत ज्यादा, बहुत आनंद है, बहुत बड़ी व्यवस्था देखी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वो हम आपकी ले गए थे, ये देखिए मुझे बताओ देते हुए सारी व्यवस्था के व्यवस्थापक, काफी अच्छी व्यवस्था इन्होंने भी देखी और ये यहाँ पे व्यवस्था तो थककर बैठते हुए थोड़ा हंसी विवाह चल रहा है। ये देखिए विशाल भंडारा, बूंदी ये बट रही है सभी के लिए, घर के लिए परसा जाता हुआ, कल्लू भैया परसा देते हुए। हमारे बाबा खड़े हैं, बाबा भी खड़े हैं, लालू बाबा भी खड़े हैं, बाल्टियाँ खत्म होती हुई भंडारा पूरा हो चुका है हमारा। जब्बू दादा भंडारा पितर करते हुए, दद्दा भी खड़े हैं बगल में, पूड़ियाँ भी जा रही हैं देखिए भर भर के सभी लोगों को। ये देखिए कितनी सब्जी भी बची गई है, ये बच गई है आप खा लेंगे पूरी मठा के आलू? ये यार हमारे पीछे मठा के आलू ऊपर कुराने के बने रहते हैं दादा बाबा। हमारे ऋषि भैया देखिए थके चूर हो चुके हैं, हाँ पत्तल भैया वाले पत्तल की व्यवस्था। नीतल लाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी बूंदी उदी बांटी और खूब व्यवस्था करी, झाड़ू लगाई यार, बहुत धन्यवाद तुम्हें। वो है तो क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया, श्री राम कृपा बढ़िया हो रहा है। और बीडीसी मेंबर फिर आते हुए हमारे सामने, पानी की व्यवस्था कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही, क्या बात है। ये हमारे अध्यक्ष जी देखिए अभी रात को व्यवस्था देखते हुए, बहुत तुम्हारी तारीफ कर, देखिए हमारे। तो अब इस हमारे ब्लॉग को, भंडारे के ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं, ये हमारा राम दरबार, और आप इस ब्लॉग को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहें। जय सियाराम।